भैया रेफर तो मैं पास कर करते हैं आप लोग, रात में ही रात में कुछ शीशा भरना चाहिए आपको। तीन महीना का बच्चा कैसे भरता है? तीन महीना का बच्चा को शीशा में नहीं आता है, बोलते हैं 28 दिन का पता कर लीजिए, पता करेंगे तो 28 दिन का ही जब लास्ट होगा तो हमको रिफंड करो, बाहर ले जाओ रात में। ये रोना धोना और बेचैनी सदर अस्पताल गोड्डा के बाहर की है, जहां पर बताया जाता है जमुआ के रहने वाले पवन कुमार ने रात्रि में अपनी बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टर की लापरवाही से परिजनों का कहना है कि बच्ची ने इस दुनिया को छोड़ दिया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर साहब सोए हुए थे, उसके बाद जब चिट्ठा कटाने की बारी आई तो वहां भी खुले पैसे नहीं होने के कारण वहां भी लेट हुई। इस घटना के तुरंत बाद पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया, साथ ही डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन को किसी भी तरीके से इलाज में कोताही ना बरतने की बात कही। सवेरे जब आप हम मिलाए हैं तब आप किए हैं, सवेरे गए आप जब शुरू में, अरे यार नहीं मरा था भाई, मरा था तब आप बोले आप जब नहीं मरा था तब कागज बना काम तो कहे दिए जब भर दिए तो बाहर में, अरे भैया कहे दिए थे रेफर तो मैं पास कर करते हैं आप लोग, रात में कुछ शीशा भरना चाहिए आपको। तीन महीना का बच्चा को कैसे नहीं भरेगा? जब पैदा तब शीशा भरता है, तीन महीना का बच्चा को शीशा में नहीं आता, नहीं अजय बोलते हैं 28 दिन का पता कर लीजिए, पता करेंगे तो 28 दिन का ही जब लास्ट होगा तो हमको रिफर करो, बाहर ले जाओ रात में। सर नहीं होता तो आप रात में पहले रिफर कर देते, आपको रात में नहीं बोले क्या? बोला ठीक है, बोले थे तो बोले थे ना सब, बोले था बोले हाँ बोले थे, और ये भी बोले कि बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए, नहीं बोले। देखिए जान बचाने के लिए क्या नहीं करता है, सर बाहर ले जाएगा तो सरकार आप लोगों को पैसा क्यों देती है? इसीलिए तो बोले बाबू बाहर ले जाने के लिए आप लोग बैठा के नहीं, सरकार जो दवाई देता है किसने देता है? दवाई बाहर से मंगाई दिख रहा लिखा बाहर का दवा सरकार नहीं देता, दवा यहाँ का नहीं, इसलिए आपको दो दवा बाहर का, तीन दवाई बाहर से लाए, फिर सिरप बाहर से लाए, बाकी क्या सरकार पैसा नहीं देता है? दवाई आपको दवा नहीं मिला यहाँ पे, ये CTX मिला होगा, डिक्सोना मिला होगा, जब उठाने आता आपको तो क्या बोलता है डॉक्टर साहब रात भर जगह है, हम लोग कैसा रात जगह अगर सर ना तो गांड बिक जाएगा, सुन लीजिए हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे, हमसे भेंट हुआ आपका, आपसे नहीं भेंट हुआ था फिर चेक कैसे किए बच्चे का? अब शुरू में जब हम बोले हैं कि हम रात भर जगे, आपका यही बोलता है, असिस्टेंट बोलता है आपका, पता नहीं हम कहीं गए होंगे, नहीं आप यही पर यही पर बोलते हो भाई, हम लोग रात भर बोलते नहीं कर सकते थे तो आप बोल देते बोले जब चला बोले ठीक है। इसका बाद उसको भर्ती जो किए हैं, भर्ती करने के बाद अब एक बार देखेंगे देखने के लिए, आते ही हम लोग तुरंत नहीं देंगे। अच्छा वहाँ पर क्या बोलता है? चिट्ठा बनाने की है 10% दो, ठीक है। यहाँ पर निदान कितना दूर है? यहाँ पे निदान कितना दूर है? पता नहीं मेरा, ये बगल में गोड्डा में निदान नहीं जानते हैं डॉक्टर? सुनिए ना सर, कितना दूर यहाँ पर निदान कितना दूर? निदान से क्या लेना, नहीं कितना दूर ये पूछ, बगल में लगभग 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ ले जाने में अगर सीरियस नहीं रहेगा तो तुरंत बच्चा वहाँ मतलब पानी ठंडी शरीर ठंडा हो जाएगा उसका, पीलापन शरीर में आ जाएगा, वहाँ ले जाने के बदले ही आपको हम रेफर तो नहीं कर देंगे, ये नहीं, नहीं होगा। हम बोले हैं कि सीरियस है ले जाना है, बोले रात में कहाँ जाएंगे, आपका कोई महिला ही बोली है, ये अलग बात है कि अभी अब जब कुछ हो जाता है तो डॉक्टर है ना, हम लोग को बुद्धि नहीं है लेकिन आपको तो बुद्धि है, आपको बढ़िया किए थे बचाने के लिए, काम करता है सारा बचाने के लिए, जब मर जाएगा तब आप बचा कौन जी, मर जाएगा मरिए दिया 2 घंटा में तो मरिए दिया, डॉक्टर मारने भी होता है तो बचाया कहां, लगाते हैं अलग बात, 2 घंटा तो डॉक्टर तो नहीं, 4 बजे आए 6:30 बजे आप भी तो डॉक्टर ही होंगे सर, वो बात नहीं है डॉक्टर है बोलो से मतलब नहीं, इसलिए उसका पक्ष आप लड़ रहे हैं, पक्ष की बात नहीं बोल रहा, नहीं नहीं पक्ष की बात, पक्ष की बात हम नहीं बोल रहे, कल दिन आपके साथ कैसा हो सकता है? अरे हम कहते हैं आप जो मरीज का इलाज करना काम है डॉक्टर, लेकिन सर जब खत्म हो जाएगा तब पड़ेगा, सॉरी तभी बोलता है, बताइए कौन जानता है कौन बच जाएगा कौन मर जाएगा, कौन जानता है? आपको हम मर जाएंगे गारंटी है मेरा, आप बीच में चेक करने जाइएगा अन्यथा नहीं जाइए, एक बार हम भर्ती किए ठीक है, एक बार आपको बीच में जाना चाहिए या नहीं, ठीक है लगेगा आपको, पर हम लाए थे सर
सुबह उसके साथ शुरुआत किया और सांस तोड़ दिया। उसके बाद कितना हम बुलाने गए कि कहाँ है कहाँ है, उनका गार्ड गया था और उसके साथ जो स्टाफ था वो पता पहाड़िया, तब वो गए लास्ट में चेक किए, बोले यहाँ से अब ले जाइए ये बच्चा, अब पूरा सीरियस हो गया है और हम यहाँ से निदान ले जाते लाते पूरा हो गया है और आंख भी छाला पड़ गया। और हम बीच में भी गए हैं बाबू, नाक में हम ड्रॉप डाले हैं बच्चा का, गए हैं बाबू और वो पहाड़िया औरत एक सीरियसली उसको देखने के लिए गए थे बाबू, तुम लोग हुआ प्रॉब्लम, हम ऊपर में क्या करते, अकेले डॉक्टर थे ऊपर गए हैं, आपके साथ अनहोनी हो गया, हम आपके क्या कहें, हम भी आपके जगह होते तो शायद हमको भी दिल में लगता, ठीक है ना भैया आए हैं आप, यही तो आपको बताएंगे कि अगर मेरा दोष है तो कई समस्या नहीं है, जो भी करना है करिए, क्या करें, मेरा कोई दोष नहीं है, बिल्कुल सही टाइम पर गए, जो भी संभव था सारा कुछ किए, रात में भी आप ठीक किए, हाँ भर्ती ज़्यादा खास था भी नहीं सर, सिर्फ नहीं न्यूमोनिया था, ठीक है लेकिन नहीं नहीं बाबू न्यूमोनिया था उसको, सीवियर न्यूमोनिया था, बार बार बोल रहे थे कि न्यूमोनिया है, बार बार बोल रहे थे न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया था और नेबुलाइजेशन किए हैं, ऑक्सीजन दिए हैं, हम तीन बार गए, नेबुलाइजेशन भी हुआ है, ऑक्सीजन भी हुआ है, एंटीबायोटिक चला, सारा कुछ चला है, चिट्ठा थोड़ा दूध नहीं पी रहा था तो 3 बजे उठे, 3:30 बजे हॉस्पिटल आ गया, आने के बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब को उठाए, डॉक्टर साहब आया, सुइया इंजेक्शन लिखा, बाहर से लाए सुइया दवा इंजेक्शन कुछ यहाँ भी दिया, इसके बाद डॉक्टर साहब को एक बार देखने नहीं आया, उठाने जाते तो उसका जो वहाँ पर रहता है एक जो बगल में रहता है उठाने के लिए बोलता है डॉक्टर साहब रात भर जगाए उठाइए मत, हम उठाएंगे, जब लास्ट हो गया तो डॉक्टर साहब बोलते बाहर ले जाओ, तो हमको कागज लिख के रिफर लिख दिया, कोई सुनवाई नहीं है डॉक्टर साहब, जब उसका सांस था ही नहीं, पूरा हम बुलाने गए कि सांस नहीं लगा बच्चा, ऐसे कर रहा है, जब वो गया बाद में वो चेक किया, चेक करने के बाद बोलता है कुंजी कि आप ले जाइए बाहर ले जाइए, ले जाइए, उसके बाद हम निदान गए तब तक उसका सांस खत्म हुआ, चेक किया बोले भर्ती कीजिए, जो भी होगा बोला भैया नहीं है तो क्या भर्ती करेंगे, कौन डॉक्टर थे सर, क्या मामला था, ये लोग विरोध जता रहे कि आप लोगों ने सही तरीके से देखा नहीं, मामला देखिए बच्चा ये लाए थे और उसका रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम था, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में था, नाक उसका जाम था, न्यूमोनिया मान लीजिए उसको हम बोल सकते हैं, न्यूमोनिया का पेशेंट था, तो हम उनको बोले कि कोई प्रॉब्लम था, बोले नहीं अचानक हुआ है, तो हम बोले नहीं ये तो 2-3 दिन हुआ है, ये 2-3 दिन का मामला है, बस वही है, उसके बाद तो हम लोग देखे ही हैं, ये लोग कह रहे कि देखने नहीं गए थे, नहीं ऐसा बात गलत बात है।